बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस मटन चॉप फ्राई की रेसिपी, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है और काफ़ी जल्दी से बन भी जाती है और दावतों के लिए है बिल्कुल परफेक्ट। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटन चॉप रेसिपी को। फ्राई मटन चॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसके अंदर हम एक किलो मटन की चॉप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे इस रेसिपी को एक किलो चॉप के साथ बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिससे मटन में जो स्मेल होती है वो निकल जाती है। अब इस स्टेज पर हम गोश्त को गलाने के लिए थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करें, तो 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाला है इसमें। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर 1 कप पानी। तो यहाँ पे हम मटन को गला लेंगे, तो गलाने के लिए मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको कर रहे हैं मिक्स, और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जब तक कि हमारी चॉप गल नहीं जाती। तो चॉपों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। अब हम प्रेशर को रिलीज़ कर लेंगे और चेक कर लेंगे चॉपों को। यहाँ पे प्रेशर को मैंने रिलीज़ कर लिया है, और अगर आपको लगता है इसके अंदर पानी है तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा आप पानी को ड्राई कर सकते हैं। अब इन चॉपों को हम निकालेंगे एक बोल के अंदर और इसको कम्प्लीटली ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे चॉपों को ड्राई करने के बाद इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लिया है एक बोल के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम मैरिनेशन के लिए एक मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के दही। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा, और यहाँ पे कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम नमक डालेंगे, नमक हाथ रोक के डालेंगे क्योंकि चॉप में भी नमक डाला था। इसके अंदर हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, जो कि मैं डाल रही हूँ 2 टीस्पून। तो यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा कलर ज़्यादा होता है, लेकिन ये तेज़ी में कम होती हैं, तो मैंने इस मिर्चों का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हम डालेंगे कुटा हुआ धनिया, जो कि मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टीस्पून भर के। कुटा हुआ धनिया डाला है मैंने 2 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। इसके अलावा काली मिर्च का पाउडर जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, जो कि 1 टीस्पून मैंने डाला है। मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो आप इसको स्किप कर देगा, मैंने 2 पिंच डाला है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट ना हो तो आप डाल सकते हैं इसके अंदर विनेगर। इसके अलावा इसमें सोया सॉस जाएगा 1/2 टीस्पून, और बाइंडिंग के लिए हम डाल रहे हैं इसके अंदर चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने 1/4 कप डाला है चावल का आटा। अब इन तमाम चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और ये जो मिक्सर है ना, थोड़ा सा अभी थिक लग रहा है, तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और एक स्मूथ सी ना हमने पेस्ट बनानी है, कि ये पेस्ट ऐसी हो कि चॉप के ऊपर हमारी चिपक सके और मोटी कोटिंग ना आए। तो यहाँ पे हम देखें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जा रहे हैं और मिक्स करते जा रहे हैं, और ये जो हमने पेस्ट बनाई है कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में है। तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला है तकरीबन 1/4 कप पानी। तो ये रेडी हो गई हमारी पेस्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे ठंडी हुई हुई चॉप, जिसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से एक चॉप को डालेंगे, अच्छी तरीके से इस मिक्सचर के साथ कोट करेंगे और साइड में करते जाएंगे। और इस मसाले के साथ हमने इन चॉपों को मैरिनेट करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आप लोग मेरी इस रेसिपी को कहाँ कहाँ से भी वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेशन ज़रूर दीजिए मुझे, और जो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, कॉमेंट नहीं करते तो काइंडली ज़रूर कॉमेंट कीजिए। आप लोगों की प्रेशन जो है, आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सभी चॉपों को मैंने अच्छी तरीके से इस मसाले के साथ कर लिया है कोट। अब हम इनको फ्राई करेंगे आधे घंटे के बाद। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फ्राई कर रहे हैं चॉपों को। तो आधा घंटा गुजर चुका है, तेल को मैंने मीडियम गरम कर लिया है, और चॉपों को हम फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके चॉपों को डालेंगे हम गैप देते हुए, और इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जब तक कि क्रिस्पी सी गोल्डन सी फ्राई नहीं हो जाती। तो यहाँ पे चॉपों को डालने के बाद तकरीबन आपने 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। जब आपको लगे कि हल्की सी ये पक चुकी है, तभी आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है, वरना तो कोटिंग जो है वो उतर जाती है। तो यहाँ पर जब 1 मिनट गुजर गया है, तो हम यहाँ पर चॉपों को जो है वो थोड़ा सा हिलाने लगे हैं। तो बहुत सारे व्यूवर्स की एक ही कंप्लेन आती है कि जब भी हम कोई चिकन को फ्राई करते हैं या मटन को फ्राई करते हैं, तो कोटिंग जो है वो उतर जाती है। अगर आप चॉपों को या किसी भी चीज़ को जो भी फ्राई कर रहे हो, तो आप उसको फ़ौरन डाल के हिला देंगे, तो ऑफकोर्स वो जो कोटिंग होती है वो तर जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोटिंग जो है वो चॉपों के ऊपर अच्छे तरीके से चिपक चुकी है, और हमारी चॉपें जो है वो फ्राई हो रही हैं।
तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी चांपे जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं, एक एक करके हम इनको निकाल लेंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी फ्राई चांप की। इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। और ये देखें हमारी चांप का लुक, इसको आप सर्व कीजिए चटनी के साथ, केचप के साथ, कोई भी मेहमान आ जाए तो ज़रूर बना के इसको इन्जॉय कीजिए। फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।